बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिज़िक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है साउंड, मीन्स हमने यहाँ पर साउंड के हवाले से स्टडी करना है। आप लोग जानते हैं कि जो फिज़िक्स है, इसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर को, एनर्जी को एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब जो साउंड है, ये एक एनर्जी की शक्ल है। इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक शक्ल है, एनर्जी की एक काइंड है। सो हमने इस साउंड को यहां पर डिटेल के साथ स्टडी करना है कि साउंड है क्या, कैसे पैदा होती है, और फिर इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसको इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं साउंड की। देखिए, इससे पिछला चैप्टर जो हमारे पास था, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन हम उसके अंदर वेव्स को स्टडी कर रहे थे, हमने देखा कि वेव्स पैदा होती हैं किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से। जब एक बॉडी वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से वेव्स पैदा होती हैं, जैसा कि हमने रिपल टैंक पढ़ा। रिपल टैंक के अंदर हम एक वाइब्रेटर की मदद से वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। अब रिपल टैंक के अंदर वेव्स का पैदा होना, बेसिकली वहां पर जो हमारे पास मीडियम था वो था लिक्विड। सेम हम एक एयर के अंदर भी, जो एक मटेरियल मीडियम है, उसके अंदर भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिनमें आप लोगों के पास, यहां पर मैं सबसे पहले जिक्र करने लगा हूं साउंड वेव्स का। साउंड वेव्स, तो मैं जरा स्टार्ट लेता हूं साउंड वेव्स से। देखिए, साउंड वेव्स क्या होती हैं। जैसे मैंने बाकी वेव्स का जिक्र किया, वो पैदा होती हैं किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने से। वाइब्रेशंस जो हैं किसी भी मीडियम के अंदर, वाइब्रेशंस वेव्स का मोजिब बनती हैं, वेव्स पैदा होने का सबब बनती हैं। जस्ट लाइक दैट, हवा के अंदर, जैसे मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, तो आप लोगों को ये जो एक सेंस ऑफ हेयरिंग, आप लोगों को एक समाज की जो सेंस प्रोड्यूस हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज, बेसिकली ये एयर के अंदर, हवा के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इस आवाज की वजह से, वही वेव्स आप लोगों को एक सुनने की जो सेंस है वो प्रोवाइड कर रही हैं। मींस साउंड वेव्स भी किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ये वाइब्रेटिंग बॉडीज से पैदा होती हैं। पता चला कि जो साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडीज की मदद से पैदा होती हैं, और फिर ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव्स। तो दो बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी होगी, जब भी आप लोगों से साउंड के हवाले से या साउंड वेव्स के हवाले से पूछा जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज विच प्रोपेगेट फ्रॉम वन पार्ट टू एनदर बाय मीन्स ऑफ प्रेशर वेव्स। अब इसके लिए चंद एक एग्जाम्पल्स को आप लोग यहां पर देखें। साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई और फिर ट्रेवल कर रही हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लें गिटार की। अब लोग देखते हैं मुख्तलिफ शोज के अंदर जो म्यूजिशियंस होते हैं वो गिटार प्ले करते हैं, और उस गिटार में बेसिकली करते क्या हैं, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, डोरियां हैं, उन्हीं को वो वाइब्रेट करवा रहे होते हैं, और उन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। उस साउंड को आप लोग सुन सकते हैं। तो पता चला वो जो साउंड गिटार के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स, डोरियों की वाइब्रेशंस से पैदा हो रही है। इसी तरह आप लोग अपने इस बॉडी की बात करें, जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स पैदा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हार्ट बीट करता है और हम अपने हार्ट की बीट को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्ट का बीट करना, हार्ट बीट्स मींस हार्ट हमारा मुसलसल जब ब्लड पंप कर रहा होता है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उन वाइब्रेशन से एक आवाज, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम फील कर सकते हैं। इसी तरह हमारे बॉडीज के अंदर जो लंग्स हैं, फेफड़े,
उनसे भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू वाइब्रेशंस। अब उन साउंड्स को हम कैसे सुन सकते हैं? अगर हम उन साउंड्स को सुनना चाहें तो डॉक्टर हजरात जब एक मुआयना करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो एक स्पेसिफिक किस्म की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप। उस स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस होता है, जो यहाँ पर रख के एक पेशेंट को वो चेक कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रख के वहाँ की जो साउंड्स हैं उनको अपने कान की मदद से सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो जो स्टेथोस्कोप है उसका जो चेस्ट पीस है वो डायफ्राम पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही वो यहाँ पर रखा जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो डायफ्राम को वाइब्रेट करवाती हैं, और उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक एयर ट्यूब्स में से गुजरते हुए डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। और अब हमारा जो कान है उसके अंदर भी वाइब्रेशंस की वजह से ही हमें साउंड का एहसास पैदा होता है। कैसे? हमारे कान के अंदर, हमारे एयर्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशन से हमें उस साउंड का एहसास होता है जो हम सुन रहे होते हैं। कैसे उस साउंड को हम सुनते हैं, उसका हमारे पास जो ये कान है उसका लिंक दिमाग के साथ होता है एक नर्व की मदद से, और फिर हमारा दिमाग उस आवाज़ को सेंस कर रहा होता है और प्रॉपर वे में हम उसको सेंस करके सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। मींस हमारे कान के अंदर भी जो आवाज़ का जो एहसास पैदा होता है वो वाइब्रेशंस की वजह से ही पैदा होता है, और वो वाइब्रेशंस किसकी हैं? वोकल कॉर्ड्स की। तो यहाँ पर सारी बातें डिस्कस करने का जो मकसद है, जो निचोड़ है, जो रिजल्ट है, वो ये है कि जो साउंड वेव्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, जिसमें मैंने मुख्तलिफ किस्म की जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने रखी हैं। अब हम किसी बंदे को फिजिकली प्रैक्टिकली बताना चाहें कि साउंड वेव्स वाकई ही एक जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती हैं, तो वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मीन्स मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये साउंड वेव्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, और उसके लिए यहां पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मैं लिखता हूं साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, हमारा ये जो टाइटल है। सबसे पहले तो मैंने साउंड वेव्स को डिस्कस किया और अब मैं बात करने लगा हूं साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। साउंड वेव्स आर produced by vibrating bodies, ये vibrating bodies से पैदा होती हैं, उनकी vibrations से ही sound waves पैदा होती हैं। इसको हम सीखना चाह रहे हैं, physically practically हम इसको बताना चाह रहे हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी device इस्तेमाल करते हैं जो school की laboratories के, college की laboratories के अंदर मौजूद होती है, और उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं ट्यूनिंग फोर्क का। ये दो इसकी फोक्स मौजूद हैं, दो इसके जबड़े से हैं आप लोगों को नजर आ रहे, इसको इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं ट्यूनिंग फोर्क का, ट्यूनिंग फोर्क। इसकी मदद से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस साउंड को हम सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। कैसे? हम इसी ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबड़ बैंड के ऊपर, रबड़ कॉर्क के ऊपर मारते हैं लाइक दिस। ये मेरे पास एक रबड़ बैंड है, एक कॉर्क है इस तरह का, ये भी लेबोरेटरीज के अंदर अवेलेबल होता है। हम इसके ऊपर, रबड़ बैंड के ऊपर जैसे ही इसको मारेंगे तो ये जो इसके दोनों जबड़े हैं ना, ये वाले, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसकी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी साउंड। अब उस सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इससे साउंड पैदा हो रही है कि नहीं। हम इसको रबड़ बैंड के ऊपर, स्कॉर्क के ऊपर मारेंगे, जैसे ही हम इसके ऊपर मारेंगे तो हम आवाज, इसको कान के करीब लेके जाके आवाज सुन सकते हैं, इससे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उस साउंड को हम वाज़े तौर पर सुनेंगे। अब ये पता चला कि इस ट्यूनिंग फोर्क से साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये कन्फर्म करना है कि इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाकई इसकी वाइब्रेशन से पैदा हो रहा है। तो उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम एक सिंपल सा है कि आप लोग एक बॉल ले लें जो आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, छोटी सी टेनिस बॉल रबड़ की, और उस बॉल को एक डोरी की मदद से यहां आके लटका दें।
अब करना क्या है, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जिसको आप लोगों ने इस रबर बैंड के ऊपर पहले मारना है यूं करके, इससे आवाज पैदा होगी। अब यही जो ट्यूनिंग फोर्क है, जब इसमें से आवाज पैदा हो रही होगी, बिल्कुल इसकी सरफेस के साथ जाके आप लोगों ने इसको मस करना है, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको मस करता हूं यहां पर आके, जैसे ही आप लोग इसको मस करेंगे, चूंकि ये वाइब्रेट कर रहा होगा, जिसकी वाइब्रेशन को मैं यूं डॉट से शो करता हूं, जैसे ही आप लोग इसको यहां आके मस करेंगे, इसकी सरफेस के साथ आके बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा टच करेंगे, तो होगा क्या, ये जो बॉल है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, यानी इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ये जो बॉल है ये यूं वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इससे पता चला कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क था जिससे हमने यहां पर साउंड प्रोड्यूस की, उसको जब हम इसके साथ जाकर टच करते हैं, तो ये बॉल चूंकि हल्की सी होती है फौरन से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इससे पता चला कि बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था, उसको हमने जाके उसके साथ ऐसे थोड़ा सा मामूली सा टच किया, करीब लेके आए, और वो उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इस एक्टिविटी से, इस छोटी सी सरगर्मी से, हमें एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट हम यहां पर कर सकते हैं, इसकी मदद से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि साउंड वाकई ही वाइब्रेटिंग बॉडीज से पैदा होती है। दूसरा हम काम ये कर सकते हैं कि हम एक पानी लें, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास के अंदर पानी ले लें, और इसी ट्यूनिंग फोर को इस रबर बैंड के ऊपर मारने के बाद उस ग्लास के अंदर डिप करें, पानी के अंदर। वाटर लिया हुआ है, पानी का ग्लास लिया हुआ है, ग्लास में हमने पानी फिल्ड किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, और उसी के अंदर हमने ये ट्यूनिंग फोर को डिप करना है। लेकिन ट्यूनिंग फोर कौन सा, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही हो। रबर बैंड के ऊपर पहले मारें, फिर उसको पानी में डिप करें। जैसे ही आप लोग डिप करेंगे, तो पानी में भी एक वाइब्रेशन सी आप लोग महसूस करेंगे, वाजे तौर पर देखेंगे। अब वो वाइब्रेशन किस वजह से पैदा हुई है, ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेट करने से। तो ये एक्टिविटीज हमें क्या बता रही हैं कि यहां पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है, उससे साउंड पैदा होती है। कंफर्म हो गया कि साउंड पैदा होती है ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब हम ये देखते हैं कि साउंड एक जगह पर प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई, मींस साउंड वेव्स पैदा हुई, तो उन साउंड वेव्स ने एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करना है, तो कैसे ये ट्रेवल करती हैं। पहले मैंने जिक्र किया कि ये प्रेशर वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती हैं। अब इसके लिए हमने ये देखना है कि क्या ये जो साउंड वेव्स हैं, आइदर दे आर मैकेनिकल वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या ये मैकेनिकल वेव्स हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आप लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऐसी वेव्स हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत हमें नहीं होती, जबकि जो साउंड वेव्स हैं इनकी प्रोपेगेशन के लिए हमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो साउंड वेव्स हैं, दे आर बेसिकली मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनकी इशात के लिए, प्रोपेगेशन के लिए, जिन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, दे आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। और साउंड वेव्स जो हैं, बेसिकली दे आर मैकेनिकल वेव्स। अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं कि वो मैकेनिकल वेव्स हैं, अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि वाकई वो मैकेनिकल वेव्स हैं, उनके लिए एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए हम एक अगेन एक्टिविटी यहां पर स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं, अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। हम ये बात प्रूव करने जा रहे हैं कि साउंड की प्रोपेगेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उनकी प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ये सारा का सारा जो काम है हमारा, इसी टॉपिक के अंदर आता है जिसको हम साउंड वेव्स का नाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि साउंड वेव्स होती क्या है,
फिर हमने देखा कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से, और उसके लिए हमने एक छोटी सी सरगर्मी का जिक्र किया, एक एक्टिविटी का जिक्र किया। उस एक्टिविटी की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब हम बात करते हैं कि साउंड वेव्स जब प्रोपेगेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो उनकी प्रोपेगेशन के लिए, उनकी इशात के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मैंने कहा है कि इनके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए अगेन हम एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटी सी जो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे। उस एक्टिविटी में हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होगी, एक शीशे का बना हुआ जार होगा जिसको हम नाम देंगे बेल जार का। इसके अंदर हम लगाएंगे एक इलेक्ट्रिक बेल, जिसको हमने पावर सप्लाई करनी है दो वायर्स की मदद से, जिनको हमने अटैच कर देना है एक पावर सप्लाई से। ये सिंपली हमारे पास पावर सप्लाई हो गई, इसके साथ हमने इसको अटैच कर लिया, और इसके नीचे हमने यहाँ बॉटम वाले सरफेस के साथ यहाँ हमने एक वैक्यूम पंप अटैच कर लेना है। ये हमारी बेल है, इलेक्ट्रिक बेल। यहां से जब हमने वायर्स गुजारी हुई हैं, तो ये वाला जो रीजन है इसको हमने इंसुलेट कर देना है ताकि हवा यहां से अंदर या बाहर ना जा सके। इस पोर्शन को हमने मुकम्मल इंसुलेट कर देना है। अब इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसमें ये वाली है पावर सप्लाई, मैं इसको लिख देता हूं, जिसकी मदद से हम इस इलेक्ट्रिक बेल को पावर प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक बेल, ये हमारे पास है बेल जार, ये नीचे हमने लगाया हुआ है वैक्यूम पंप, ये हमारा सारा एक जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने करना क्या है। स्टार्ट में ये जो हमारा बेल जार था, एक ग्लास ट्यूब थी, इसके अंदर हवा मौजूद होगी, डेफिनेटली उसको हमने वैक्यूम नहीं किया तो उसके अंदर हवा, कोई भी हमारे पास बर्तन है उसके अंदर हवा मौजूद होगी। हमने क्या करना है, इस पावर सप्लाई की मदद से इलेक्ट्रिक बेल को हमने ऑन करना है। जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिक बेल ऑन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही बेल ऑन होती है तो आप लोगों को आवाज उसकी सुनाई देना शुरू कर देगी। मीन्स इलेक्ट्रिक बेल ऑन करेंगे, बेल बजना शुरू होगी, घंटी बजना शुरू होगी, और आप लोग इसकी आवाज बाहर खड़े होकर यहां इस साइड पे बैठकर इजीली सुन रहे होंगे कि बेल बज रही है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो साउंड हम इजीली सुन सकते हैं। अब हमने करना क्या है, जब आवाज आना शुरू हो जाएगी, हम सुन रहे होंगे, उसके साथ हमने वैक्यूम पंप को ऑन कर देना है। इस वैक्यूम पंप की मदद से हम हवा को बाहर निकालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे इस ट्यूब में से हवा बाहर निकलती जाएगी, हवा जो इसके अंदर एयर फील्ड थी वो कम होती जाएगी, तो यहां पर जो साउंड हम बाहर सुन रहे थे वो मध्यम होती जाएगी। कम होते होते एक टाइम आएगा जब इसमें से कंप्लीटली एयर रिमूव्ड हो जाएगी बाय दिस वैक्यूम पंप। सारी की सारी हवा हम जब निकाल देंगे तो जो बेल है वो तो स्टिल हमने ऑन रखी हुई है, लेकिन उसकी आवाज हमें सुनाई देना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, अब हम मजीद उसकी आवाज नहीं सुन सकेंगे। अब इसको हमने रिपीट करना है कैसे, हम दोबारा इसमें से हवा अंदर जाने देते हैं, हम दोबारा हवा को दाखिल करते हैं। एयर जब एंटर होती है दिस ट्यूब, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्यूब के अंदर हवा भरती जाएगी, हम अगेन घंटी की आवाज, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल है उसकी आवाज हमें सुनना शुरू कर देगी, मीन्स हमें सुनाई देने लग जाएगी, अगेन हम आवाज सुनना शुरू कर देते। तो पता चला जब हम हवा इसमें से रिमूव कर रहे थे तो
तो इलेक्ट्रिक बेल जो जिससे हमें साउंड सुनाई दे रही थी उसकी साउंड कम होते होते मध्यम होते होते खत्म हो गई थी। जब हमने दोबारा इसमें से हवा इसको सप्लाई कर दी है, इसमें हवा फिल कर दी है, एयर हमने फिल्ड की है, तो अगेन हमें आवाज सुनाई देना शुरू कर दी। पता चला कि जब इसके अंदर यहां हवा मौजूद हो तो हम आवाज सुन सकते हैं, अगर हवा मौजूद ना हो तो हम आवाज नहीं सुन सकते। पता चला कि आवाज को यहां से बाहर की तरफ ट्रांसमिट होने के लिए यहां मीडियम रिक्वायर्ड है, और वो मीडियम हवा हमारे पास थी, एयर, हवा मौजूद थी। तो पता चला इस सारी एक्टिविटी से, इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। पता चला कि साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो इससे यह बात कंफर्म हो गई कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा कि क्या होती हैं। फिर हमें यह बात पता चली कि जो साउंड वेव्स हैं बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेटिंग बॉडीज। हमने फिर उसको प्रूव किया एक छोटी सी एक्टिविटी की मदद से कि वाकई साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटिंग बॉडी से। फिर अब हमने ये देखना है कि साउंड वेव्स जब प्रोपेगेट करती हैं, चूंकि वेव्स हैं, क्या ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर मैकेनिकल वेव्स हैं। तो हमने यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी की मदद से ये सीखा कि जो साउंड वेव्स हैं दे आर मैकेनिकल वेव्स, मीन्स दे रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये देखते हैं, चूंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव्स हमारे पास आगे मजीद दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लास्ट चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 था उसके अंदर हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स स्टडी की थी, जिसमें हमें पता चला था कि दो टाइप्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स वेव्स। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर कौन सी है, आइदर दे आर लॉन्गिट्यूडनल और दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम देखते हैं जरा साउंड वेव्स की नेचर, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, नेचर ऑफ साउंड वेव्स। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लेबोरेटरी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ट्यूनिंग फोर्क, वो मैं यहाँ बनाने लगा हूँ। जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया कि हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसके करीब यहाँ जो एयर मौजूद है, उस एयर की जो मैं यहाँ पर एयर सर्फिस को मुख्तलिफ सर्फिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एयर की जो मुख्तलिफ तहें हैं, मुख्तलिफ सर्फिस हैं, उनके दरमियान एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये एयर सर्फिस मौजूद है। मैं इसको लाइंस की मदद से शो कर रहा हूँ। एक प्रॉपर डिस्टेंस मौजूद है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर, हवा की मुख्तलिफ जो लेयर्स हैं उनके दरमियान एक प्रॉपर डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, वो मैंने बनाया है। अब हमने क्या करना है, इस ट्यूनिंग फोर्क को इस रबर बैंड के ऊपर जब मारेंगे तो इसकी साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड प्रोड्यूस होगी कब, जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा होगा। वाइब्रेशन के दौरान इसके फोर्क्स या तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं या एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। मैं उसको जरा यहां पर ऐसे बनाकर दिखाता हूं। जब ये ट्यूनिंग फोर्क इसके फोर्क्स एक दूसरे से थोड़े दूर जाएंगे तो थोड़ी इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, जैसे मैंने इन दोनों फोर्क्स को, दोनों जबड़ों को खोल के यहां पर रखा है। जैसे ये एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो इसने अपने करीब वाली जो हवा की लेयर्स हैं उनको प्रेस कर देना है। एक दूसरे के करीब हो जाएंगी वो लेयर्स, प्रेस होके वो लेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हो जाएंगी। यहां इसके करीब वाली जो हवा की लेयर्स थी वो प्रेस हो गई, एक दूसरे के करीब करीब हो गई, यानी यहां पर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, जबकि इससे नेक्स्ट जो लेयर्स थी वो अपनी उसी नॉर्मल रूटीन में, अपने जो नॉर्मल उसका जो डिस्टेंस था वो उनका बरकरार रहा। मैं उनको भी जरा यहां दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। ये थी बाकी लेयर्स, सिर्फ वो लेयर्स प्रेस हुई हैं
जो लेयर्स इस ट्यूनिंग फोर्क के करीब करीब थी, उन लेयर्स में आप लोग एक कंप्रेशन यहां पर फील कर रहे हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसको मैंने ड्रॉ किया है। मींस हवा की जो लेयर्स हैं उनमें कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया। कौन सी लेयर्स? जो इस ट्यूनिंग फोर्क के करीब थी। अब इसके बाद ये दोनों फोर्क्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, वाइब्रेशन के दौरान ऐसी सिचुएशन बनती है, या तो ये जबड़े दोनों फोर्क्स एक दूसरे से, यानी ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसने यूं वाइब्रेट करना है, कभी बाहर तो कभी अंदर की तरफ झुक जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगी, ये जो हवा की लेयर्स है ना, ये अब इसके करीब वाली जो होगी उसमें जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया था वो खत्म हो जाएगा। यहां अगेन लेयर्स रिलैक्स हो जाएंगी, पहले वाली नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगी, जबकि ये कंप्रेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा यहां। ये कंप्रेशन को मैंने शो कर लिया है, और उससे आगे वाली जो लेयर्स थी वो फिर नॉर्मल अपनी पहले वाली पोजीशन में मौजूद होंगी। अब बेसिकली जब ये ट्यूनिंग फोर्क हम इसको वाइब्रेट करवाते हैं और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये अपने करीब वाली जो हवा की लेयर्स हैं, एयर कॉलम मौजूद है, जहां पर जो हवा का एक कॉलम है, हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, उसकी लेयर्स को ये करता है करीब वाली लेयर्स को प्रेस, या तो उसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है या फिर रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन आगे ट्रांसफर हो गया, मींस यहां जो साउंड है बेसिकली वो एयर की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनकी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की मदद से आगे प्रोपेगेट करती जाएगी, आगे मूव करती जाएगी। यहां इस एक्टिविटी से हम एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां मैंने एक जो फिजिकल पिक्चर ड्रॉ की है एयर की, सॉरी साउंड की प्रोपेगेशन की, इस पिक्चर से हमें यह अंदाजा हो जाता है कि साउंड कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की मदद से प्रोपेगेट कर रही है। इससे यह पता चला कि जो साउंड वेव्स की नेचर है ना, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। पता चला कि जो साउंड वेव्स हैं दे आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्यों? इनकी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के दौरान मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो वेव की प्रोपेगेशन के पैरेलल है। यहां से ये अंदाजा हो सकता है कि जो साउंड वेव्स हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो यहां तक हमारा ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने साउंड वेव्स को स्टडी करना था, वो यहां पे एंड होता है। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हमने साउंड वेव्स के बारे में देखा कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, उसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि साउंड वेव्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, उसको हमने एक एक्टिविटी की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि साउंड वेव्स जो हैं दे आर मैकेनिकल इन नेचर, मींस उनकी प्रोपेगेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और फाइनली हमने देखा कि मैकेनिकल वेव्स तो हैं, तो मैकेनिकल में फिर कौन सी टाइप हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये सारे डिस्कशन में हमसे एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर साउंड वेव्स। स्टार्ट में जैसे मैंने बताया आप लोग शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें से एमसीक्यूज भी आता है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की नेचर कौन सी है, तो लॉन्गिट्यूडनल है, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और ये जो दरम्यान वाला हिस्सा है ना, साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ये बाज़ोकात लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स भी। How can you prove that the sound waves required a material medium for their propagation? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि sound waves एक जो है वो अपनी propagation के लिए, इशात के लिए उनको एक medium की जरूरत होती है? तो उसको आप लोग explain करने के लिए यही activity अपने अल्फाज में बयान करेंगे इस diagram की मदद से, तो आप लोगों का ये जो एक question है वो complete हो जाएगा। ये आप लोगों का lecture number 1 chapter 11 का complete हुआ। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी किया करें प्लीज। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।